चाइना अपने देश में बड़े पैमाने पर डेजर्ट रिजर्वायर को बनाने में जोरों से काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट में चाइना के 1,80,000 वर्कर रोज काम कर रहे हैं। शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्यों चाइना इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जानते हैं आज के वीडियो में कि क्या है चाइना का डेजर्ट मेगा प्रोजेक्ट और क्यों चाइना के 1,80,000 वर्कर दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। रिजर्वायर इरिगेशन और अन्य उपयोगों के लिए पानी को स्टोर करने में मदद करते हैं, साथ ही डेसर्टिफिकेशन के प्रभावों को कम करके स्थानीय जल आपूर्ति में सुधार भी करते हैं। एग्रीकल्चर को लाभ पहुंचाने के अलावा ये प्रोजेक्ट क्षेत्र में औद्योगिक विकास, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों का भी समर्थन कर सकती है। चाइना सबसे बड़ा डेजर्ट रिजर्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है, पर जब ये पूरा हो जाएगा तो यह 9,00,000 हेमियू एरिया की भूमि को इरिगेट करने में सक्षम होगा, जिससे रेगिस्तान पहले से कहीं अधिक हरा भरा हो जाएगा। पर अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 40 साल लगेंगे। इस रिजर्वायर को बनाने में 1,80,000 लोग काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि रेगिस्तान में पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है। चाइना और बाकी दुनिया में डेजर्ट रिजर्वायर बड़े दुर्लभ हैं। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इस रिजर्वायर को पानी कहाँ से मिलता है। पर इसके नजदीक स्थित रिजर्वायर को हन्हाई पर्ल कहा जाता है, क्योंकि इसे सूखे रेगिस्तान में बनाया गया था। पर आज इस रिजर्वायर में 148 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है और इसे 1958 में बनाया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड डेजर्ट रिजर्वायर भी है। इसमें चाइना की वेस्टर्न लेक हांगजो से 10 गुना ज्यादा पानी समा सकता है। साथ ही रेगिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वर्कर की कॉस्ट भी अधिक होती है, जिस कारण प्रोजेक्ट के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और भविष्य में इससे बेनिफिट मिलना भी संभव नहीं है। इसे देखते हुए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि चीन रेगिस्तान में रिजर्वायर क्यों बनाना चाहेगा, जब तक कि रेगिस्तान में बहुत अधिक तेल न हो। रेगिस्तान में रहना आसान नहीं है, पर इसके विपरीत चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट रेगिस्तान में चल रहे हैं, जो चाइना के 1000 किलोमीटर से अधिक एरिया को कवर करते हैं। साथ ही चाइना ने रेगिस्तानी इलाकों में जनता के लिए रेलवे का कंस्ट्रक्शन, 5000 किलोमीटर से अधिक की रेगिस्तानी सड़कें और बहुत सारी फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बनाई हैं। चाइना बहुत तेजी से डेसर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है और ऐसा होने से रोकने के लिए चाइना को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से चाइना अपने देश में रिजर्वायर बनाने के प्लान पर दिन रात काम कर रहा है। डेजर्ट ग्रीनिंग चाइना का बहुत जरूरी डेजर्ट प्रोजेक्ट रहा है, जिसके बारे में दुनिया को अब पता चला, पर चाइना लगभग एक सदी से इस पर काम कर रहा है। चाइना वह देश भी है जो इस समय अपने पूरे डेजर्ट को हरा भरा करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहा है। यदि चाइना को रेगिस्तान को पूरी तरह से ग्रीन लैंड में बदलना है, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी पानी की कमी को दूर करना। इसलिए चाइना रेगिस्तान में पानी जमा करने और रेगिस्तान को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर रिजर्वायर बनाने में लगा है, ताकि फ्यूचर में लोगों को वहां बसाया जा सके। चाइना 96,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पर इसके 7,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में केवल रेगिस्तान ही है, और साथ ही हर साल चाइना के रेगिस्तान बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक रेगिस्तान चाइना की 50,000 स्क्वायर किलोमीटर कृषि भूमि निगल चुके हैं, जिसमें दो रेगिस्तान शामिल हैं। एक तरफ से टेंगर रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ गेरुंड रेगिस्तान। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों रेगिस्तान एक होकर पूरे चाइना में फैल जाएंगे। चाइना सरकार ने 1958 में यहाँ एक बड़ा रिजर्वायर बनाने का फैसला किया। रिजर्वायर का अधिकांश पानी शेरियांग नदी से आता है, जो होशी कॉरिडोर से होकर बहती है। यह उस क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस रिजर्वायर के बनने के बाद स्थानीय मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ी हुई आय से कृषि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोगों को अब पानी की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनका जीवन आम तौर पर बेहतर हो रहा है, क्योंकि रिजर्वायर हर साल अप्रैल से अक्टूबर तक अपने सबसे खूबसूरत रूप में होता है। इसलिए उन महीनों के दौरान बहुत सारे पर्यटक इसे देखने आते हैं। जब लोग एक रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो पहली बात जो अक्सर दिमाग में आती है वह है रेत और धूल से भरी जमीन, एक छोटी सी आबादी और एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवन काफी मुश्किल है। हालांकि सूखे रेगिस्तान में जलाशय बनाना संभव है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यह एक सपना है जो सच नहीं हो सकता, लेकिन चीन ने इस सोच को हकीकत में बदल दिया है। 1958 में जब रिजर्वायर बनाया गया था, तब मशीनें उतनी एडवांस नहीं थीं जितनी अब हैं, और बाकी चीजें भी बहुत महंगी थी। इस वजह से निर्माण प्रक्रिया ऐसी समस्याओं से भरी हुई थी जिन्हें हल नहीं किया जा सकता था।
ये रिजर्वायर टेंजियर और बाटान के रेगिस्तान के बीच बनने जा रहा है, जहां तापमान अधिक है और गर्मी के कारण हर दिन बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। जब रिजर्वायर में पर्याप्त पानी नहीं होगा तो रिजर्वायर का क्षेत्र सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और यह पूरी तरह से सूख भी सकता है। चाइना जानता है कि अगर उसने रिजर्वायर बनाने के लिए काम नहीं किया तो भविष्य में उन्हें यह जमीन छोड़नी पड़ेगी, इसलिए रेट को फिक्स रखने के लिए 180,000 चाइनीज वर्कर इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहे हैं। इसके अलावा रिजर्वायर को बनाने में इंजीनियरों ने रिजर्वायर में ज्यादा से ज्यादा पानी प्राप्त करने के लिए शेरियांग नदी के मार्ग को बदल दिया। उन्होंने पारिस्थितिक पर्यावरण की रक्षा के बारे में परवाह नहीं की, इससे नदी का फ्लो तेजी से कम हो गया और एक साल से भी कम समय में शेरियांग नदी के ऊपरी हिस्से का बहना बंद हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इससे चाइना की आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और भी आसान हो जाएगा, जो चाइना के इतिहास का सबसे शानदार प्रोजेक्ट होगा। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।